अस्सलाम वालेकुम जी, कंसल्टी साइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से उमर अब्दुल्ला वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैर आफियत से होंगे। हम आपको अपने डिफरेंट वीलॉग्स में अपडेट करते आए हैं कि मेन फिरोजपुर रोड पर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो ना सिर्फ लाहौर का, ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है। और वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया गया है जिसका कैंटीलीवर प्लस ब्लॉक डिज़ाइन होने वाला है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत ज़बरदस्त मिलता है। व्यूअर्स, सबसे पहले इसकी लोकेशन के हवाले से अपडेट करना चाहूँगा। इसकी लोकेशन एक ऐसी शराह पर आ रही है जो कि मेन फिरोजपुर रोड है, लाहौर की वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट शराह की अगर हम बात कर देंगे तो आपको यही मेन फिरोजपुर रोड मिलती है, जहाँ आपको डेली ट्रैफिक का तकरीबन जो आमदरफ्त है वो आपको तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख की ट्रैफिक का आमदरफ्त आपको डेली बेसिस पर यहाँ देखने में आता है। इस बिजी शराब पर एक ऐसा प्रोजेक्ट का मुतारिफ करवाया जाना जो ना सिर्फ लाहौर, ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट होना और उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 इयर्स के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर। जी हाँ व्यूअर्स, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स करके आने वाले वक्त में एक बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। लोकेशन को मजीद मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा इसकी लोकेशन के हवाले से कि इसकी लोकेशन आप जैसे ही गजुमंदा रिंग रोड से एग्जिट लें टूवर्ड्स कसूर की तरफ मूव करें तो हार्डली 5 to 7 मिनट्स के डिस्टेंस पर राइट साइड पर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। ये ना सिर्फ एक प्रोजेक्ट है बल्कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनने जा रही है। इसकी सराउंडिंग में और भी काफ़ी आपको सोसाइटीज मिलती हैं। हमने आपको पहले भी बताई आपको सेंट्रल पार्क जैसी वन ऑफ द मोस्ट आपको एक वेल नोन सोसाइटी मिलती है। इसके अलावा पाम सिटी मिलती है, ग्रैंड एवेन्यू, बैरियन शेमन, नेक्स्ट आप टूवर्ड्स आगे की तरफ जाएं तो आपको बिस्मिल्ला हाउसिंग सोसाइटी फेज 2 मिलता है, अल रिहान गार्डन फेज 2 आपको यहाँ मिलता है, अली टाउन जैसे सोसाइटीज मिलते हैं। काफ़ी बड़ी आपको यहाँ सोसाइटीज देखने में आती हैं। व्यूअर्स, फर्दर मैं बात करना चाहूँगा दी लाहौर्स का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि एक बनता हुआ प्रोजेक्ट है। 73 किनाल का टोटल एरिया और 100% LDA अप्रूव्ड एरिया, जहाँ ना सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनेगा बल्कि एक कम्युनिटी जहाँ आपको तकरीबन 6 टावर आपको मिलेंगे, जहाँ वेरी फर्स्ट टावर लॉन्च हो चुका है, जहाँ आपको पेमेंट प्लान आ चुका है, फ्लोर प्लान आपके पास है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास है, बुकिंग ओपन हो चुकी हुई है। और आज की डेट में देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं वो फूड कोर्ट एरिया में की गई हैं। या मैं आपको बताना चाहूँगा ब्लॉक डिज़ाइन और कैंटीलीवर डिज़ाइन, बेसिकली हर ब्लॉक में आपको डिफरेंट आपको एक्टिविटीज़ मिलेंगी। लाइक अगर हम बात करते हैं वेरी फर्स्ट ब्लॉक की, जहाँ आपको मिलेगा कमर्शियल एक्टिविटी, सेकेंड ब्लॉक में आपको मिलेगा IT से रिलेटेड एक्टिविटी, थर्ड ब्लॉक में आपको 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट इवन पेंट हाउसेज मिलेंगे। फोर्थ ब्लॉक की बात करेंगे तो व्यूअर्स वहाँ आपको मिलने वाले हैं 1 बेड 2 बेड 3 बेड यानी सर्विसेज अपार्टमेंट्स और इसी के साथ साथ आपको पेंट हाउसेज मिलने वाले हैं। ये कैसी कम्युनिटी है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ अगर आप एग्जिट लेंगे तो या तो आप अपनी जॉब के सिलसिले में यहाँ से एग्जिट लेंगे या सिर्फ आपके बच्चे अपनी स्टडी पूरी करने के लिए यहाँ से एग्जिट ले रहे होंगे। तमाम तर आपको एमिनिटीज फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं इसी प्रोजेक्ट में, इसी लाहौर स्काई में, इसी कम्युनिटी में। सो व्यूअर्स, मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट आई वो हमें फूड कोर्ट एरिया की आई। फोर्थ फ्लोर आपको इसका फूड कोर्ट एरिया दिखने में आया, जैसे ही फूड कोर्ट की अनाउंसमेंट की गई कि ये फोर्थ फ्लोर जो है वो डेडिकेटेड है फूड कोर्ट एरिया के लिए तो बहुत तेज़ी से यहाँ बुकिंग हुई। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर तमाम तरह जो शॉप्स थी वो सोल्ड हो चुकी थी। अब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उस डेवलपर ने थर्ड फ्लोर को डेडिकेट किया है फूड कोर्ट एरिया के लिए। फूड कोर्ट एरिया के साथ साथ मिलने वाले हैं आपको आपके बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया। जी हाँ, जैसे कि आप इम्पोरियम मॉल की तरफ जाएं या पैकेजेस मॉल की तरफ जाएं, आपको फूड कोर्ट एरिया के साथ एक प्लेइंग एरिया मिल रहा होता है जहाँ आपके बच्चे खेल कूद कर रहे होते हैं या इंजॉय कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ आप फूड को इंजॉय करना पसंद करते हैं। फैमिली सिटिंग एरिया आपको मिलता है, वहाँ फैमिलीज बैठ कर फूड को इंजॉय करते हैं। फोर्थ फ्लोर में तो आपको टेरिस एरिया मिल जाता था, वहाँ टेरिस एरिया में जाकर आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे जहाँ आप अपने बच्चों के साथ वहाँ एक अच्छा फूड इंजॉय करेंगे। सो व्यूअर्स, फर्दर थर्ड फ्लोर में जहाँ आपके बच्चे ना सिर्फ आपके बच्चों को एक्टिविटी मिलेगी, खेल कूद कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आपको मिलेगा एक बेहतरीन फूड जहाँ आपको डिफरेंट फूड चेन्स मिलेगी। सो व्यूअर्स, थर्ड फ्लोर को डेडिकेट किया गया है फूडी फन लैंड के नाम से, जहाँ ना सिर्फ आपको प्लेइंग एरिया मिलेगा बल्कि उसी के साथ साथ फूड कोर्ट एरिया फॉर सेलेबल मिल रहा है। 20% डाउन पेमेंट, 4 इयर्स का फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान, उसके अगेंस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी होगी जहाँ आने वाले वक्त में ना सिर्फ आपको एक बेहतरीन अर्निंग होगी बल्कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके एक बेहतरीन और एक पैसिव रेंटल इनकम इंजॉय कर सकते हैं। या आप आने वाले वक्त में फ्यूचर या न्यू फ्यूचर में अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं फूड से रिलेटेड, कल को आप लाहौर स्काई के थर्ड फ्लोर में अपना कोई फूड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इसके हवाले से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, पेमेंट प्लान के हवाले से जानना चाह रहे हैं,
फ्लोर प्लान के हवाले से जानना चाह रहे हैं, टॉप की लोकेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन समहाउ कुछ सेल्स के बाद आपको ये लोकेशंस नहीं देखने में आएगी, ये बहुत जल्दी इन्वेंटरी सेल हो जानी है। सो व्यूअर्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पर आकर यहाँ बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग के लिए या मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए अभी फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 0333115280। मजीद ऐसी ही वीडियोस, ऐसी ही अपडेट्स, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस, हमारी अपडेट्स सबसे पहले पहुंच रहे आप तक। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।